हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ आटे के पुए की रेसिपी। आटे के पुए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा हमारे पुए जो है वो कड़े हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते। लेकिन अगर कुछ ट्रिक्स को फॉलो किया जाए तो हमारे पुए बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। तो आइए उसी ट्रिक्स के साथ इस आटे के पुए की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आटे का पुआ बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप आटा। ये 1 कप आटा मैंने लिया और फिर इसी कप से मैं 1 कप और आटा ले रही हूँ। तो ये मैंने 2 कप आटा लिया। ये टोटल ग्राम्स में देखेंगे तो हमारा 500 ग्राम्स यानी आधा केजी आटा है ये। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी, यानी कि 2 कप आटा के लिए मैंने 1/2 कप सूजी लिया है। आटे का 1/4 भाग सूजी डालेंगे हम लोग। और ये सूजी मैंने बारीक वाली ली है, अगर आपकी सूजी मोटी हो तो उसे मिक्सी में पीस लें, वरना हमारा पुआ जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा अगर सूजी मोटी वाली डालेंगे तो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 300 ग्राम चीनी, यानी कि 500 ग्राम मैंने आटा लिया था और 100 ग्राम के लगभग सूजी लिया था मैंने। तो 600 ग्राम के लिए हम लोग 300 ग्राम चीनी डालेंगे, तो 250 ग्राम, और फिर मैं 50 ग्राम और डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग जितना आटा लेंगे उसके हाफ में हम लोग चीनी डालते हैं पुआ में। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है, इसमें से मैं पहले 1/2 कप पानी डाल के इसे मिला रही हूँ। तो इसे हम लोग मिलाते हैं अच्छी तरह से। पहले आटे का घोल बनाने समय हमें ख्याल रखना है कि लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। देखिए, तो मैं यहाँ पर 1/2 कप जो बाकी पानी था उसे भी डाल देती हूँ इसमें। मैं पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही मिला रही हूँ, क्योंकि एक बार पानी बहुत ज़्यादा हम लोग डाल देंगे तो हमारा घोल भी पतला हो जाएगा और लम्स जो है वो उसमें बन जाएंगे, तो फिर पतले घोल में से लम्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 कप पानी डाल दिया है और इसे मिलाएंगे हम लोग, फिर ज़रूरत के हिसाब से और पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 कप और पानी लिया है और उसमें से मैं 1/2 कप पानी डाल देती हूँ और फिर इसका घोल बनाती हूँ। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी पानी और हम लोग डालेंगे। ये हमारा आप लोग देख सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ये अभी गाढ़ा है हमारा घोल। तो सबसे पहले तो इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा घोल अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा और पानी इसमें डालेंगे। तो मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ आटे और चीनी को पानी के साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखिए हमारा घोल तैयार है, लेकिन इसमें अभी थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ हैं। तो इसे अच्छी तरह से चम्मच से चलाते हुए हम लोग मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से फेंटेंगे जब तक कि इसके अंदर की सारी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए और आटा का घोल हमारा जो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक इसे हम लोग अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये हमारा जो घोल है बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट तैयार हो गया। आप लोग देख सकते हैं, देखिए हमारा कितना अच्छा घोल तैयार हुआ है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है इसमें। इसी तरह का घोल हमें चाहिए था पुआ के लिए। और ये घोल जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे गाढ़ा है, तो इसे हम लोग इतना ही गाढ़ा रहने देंगे, क्योंकि बाद में हमारी चीनी जो है वो घुलती है तो वो भी पानी छोड़ती है, तो हमारा घोल थोड़ा और पतला होगा। इसलिए अभी हम लोग इसमें और पानी नहीं डालेंगे। तो टोटल 1.5 कप पानी लगा है मुझे इतना घोल तैयार करने में। और इस घोल को मैं ढक के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी फूलने के लिए, उसके बाद इसके पुए हम लोग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे हो गए हैं और हमारा पुए का घोल अच्छी तरह से सेट हो गया होगा, तो हम लोग इसे चेक करते हैं। इसे हम लोग मिला लेते हैं अच्छी तरह से एक बार। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा घोल जो है पहले से थोड़ा सा पतला हो गया है। ये देखिए, मैं मिला करके देखती हूँ इसे। देखिए, ये हमारा घोल बिल्कुल परफेक्ट है। आटे के पुआ बनाने के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही घोल चाहिए था, इसकी थिकनेस बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए थी। इससे थोड़ा सा भी अगर घोल को हम लोग पतला करेंगे तो हमारा पुआ जो है कढ़ाई के अंदर जाके फैल जाएगा और फूलेगा नहीं अच्छी तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह का घोल चाहिए हमें पुआ के लिए। 2 से 3 घंटे रखने के बाद ये हमारा अच्छी तरह सेट हो गया है, तो इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 हरी इलायची। हरी इलायची को मैंने थोड़ा सा कूट करके ले लिया है। साथ में मैं ले रही हूँ 50 ग्राम किशमिश। आप इसमें नारियल के टुकड़े को भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे अब डालूँगी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
हाफ़ टेबल स्पून रिफाइन ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइन ऑयल इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा पुआ जो है वो और अच्छी तरह से फूले। आप इसके जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी या रिफाइन ऑयल कोई भी ऑयल आधा चम्मच डाल दें इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा पुआ जो है बहुत अच्छी तरह से फूलता है। इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले। तो ये मैंने घोल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। तो मैंने गैस को ऑन करके इस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया था। इसमें मैंने डाल दिया है रिफाइन ऑयल। आप घी में भी पुए को फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा गैस जो है वो गर्म हो चुका है और मैं गैस को बिल्कुल लो पर कर देती हूँ। पुए को जब डालते हैं हम लोग तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा गैस जो है बिल्कुल लो होना चाहिए पुए को डालने के समय। बाद में फिर उसे हम लोग हाई करते हैं। तो देखिए मैं कलछी में लेके धीरे से बीचों बीच तेल के इस तरह से डालना है हमें और गैस को लो पे रखना है। हमारा पुआ अपने आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगा फूलने लगेगा और थोड़ा थोड़ा हम लोग कलछे से तेल को इसके ऊपर डालते रहेंगे। ये देखिए इस तरह देखिए हमारा पुआ कितना अच्छा खुद ब खुद फूल चुका है। अब हम लोग गैस को मीडियम पे कर देंगे। जब पुआ हमारा नीचे की तरफ से फूल जाए तो इसे हम लोग गैस को मीडियम पे कर देंगे और धीरे से पुए को पलट लेंगे। मैंने पुए को पलट लिया। अब नीचे की तरफ से इसे आधा मिनट तक पकने देंगे और इस तरह से इसके ऊपर तेल डालते रहेंगे या घी डालते रहेंगे। फिर नीचे से जब थोड़ा पक जाएगा ये किस तरह से तब हम लोग इसे इस तरह से प्रेस करते हुए चमचे से पकाएंगे। ऐसा करने से हमारा पुआ जो है अच्छी तरह से अंदर तक पक जाता है। कहीं गुठलियाँ अंदर नहीं बनती पुए में। तो हम लोग पुए को इस तरह से प्रेस कर करके पकाएंगे और जब तक पुआ गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक हम लोग इसे कढ़ाई से नहीं निकालेंगे। इसी तरह से हम लोग प्रेस करके उलट पलट के पुए को पकाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने पुए को गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेक करके पका लिया है। अभी हमारा पुआ बिल्कुल रेडी है। तो इसे मैं कढ़ाई के किनारों पर रोक करके थोड़ा देर और निकाल लेती हूँ कढ़ाई से। देखिए हमारा पुआ कितना खिला खिला बना है। और इसी तरह से फिर दूसरा पुआ हम लोग डाल देंगे कढ़ाई में। इस तरह से धीरे से तेल के बीचों बीच डालेंगे। गैस को मैंने फिर लो पे कर दिया है और फिर जैसे ही हमारा पुआ फूल जाएगा गैस को हम लोग मीडियम पे कर देंगे। तो देखिए हमारा पुआ अपने आप फूलेगा। देखिए ये फूलना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे इस तरह से इसके ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और ये हमारा पुआ फूल चुका है। गैस को मैं मीडियम पे कर देती हूँ और इसे धीरे से पलट लेती हूँ। दोनों तरफ से पहले मैं इसके ऊपर तेल डाल लेती हूँ ताकि पलटने के बाद ये नीचे की तरफ से चिपके नहीं। और इसे फिर हम लोग धीरे से पलट लेंगे और इसी तरह इस पुए को भी हम लोग पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पुए को भी पका लिया है। इसे भी निकाल लेती हूँ कढ़ाई से। देखिए कितना खिला खिला हमारा पुआ कितना सुंदर तैयार हुआ है। इसे भी मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरह से बाकी सारे पुए हम लोग तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सारे पुए को बना के एक प्लेट में सर्व कर लिया है और ये हमारा टेस्टी आटे का पुआ बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हैं कितना खिला खिला कितना अच्छा हमारा पुआ तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। फेस्टिवल्स में आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरी अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।